कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। अब आप हाथ जोड़ के प्रार्थना में भाग लीजिए। गुरवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्री राधा गोपीनाथ की श्री श्री राधा गोपीनाथ की श्री श्री राधा गोपीनाथ की श्री श्री राधा गोविंदेव की श्री श्री राधा गोविंदेव की श्री श्री राधा गोविंदेव की श्री श्री राधा मदन मोहन की श्री श्री राधा मदन मोहन की श्री श्री राधा मदन मोहन की। हरे कृष्णा। ये बहुत सुंदर अद्भुत अलौकिक अनुपम जो भगवान स्वयं भगवान श्री गोविंद देव जी अपनी अंतरंग शक्ति करुणा की मूर्ति दया की सागर सदा ही सबके ऊपर कृपा बरसाने वाली राधा रानी के संग इस थाना डिस्ट्रिक्ट के और फिर पूरे महाराष्ट्र के मानव मात्र के ऊपर करुणा और कृपा करने के लिए यहाँ प्रकट हुए हैं। और आप इस भगवान राधा गोविंद देव जी के भवन का थोड़ा सा अवलोकन कीजिए, दर्शन कीजिए। आप मंदिर के अगर परिक्रमा करेंगे तो आपको नीचे भगवान के 10 अवतारों के दर्शन होंगे, उससे ऊपर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के दर्शन होंगे और उसके ऊपर भगवान श्री रामचंद्र की लीलाओं के दर्शन होंगे। तो ये आप इस मंदिर में दर्शन करके जाइए,
मंदिर के चारों ओर घूमते हुए ये सब आपको यहाँ इस पत्थर के अंदर कार्विंग करके प्राचीन पद्धति से इसको कहते थे हमारे शास्त्र में, जैसे जैसे आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, ऐसे स्थाप्य वेद है, स्थाप्य वेद। तो ये स्थाप्य वेद का मतलब मंदिर कैसे बनना चाहिए, कोई पत्थर नहीं, कोई सीमेंट नहीं, कोई कील नहीं, कोई लोहा नहीं, ये पुराने जमाने के मंदिर बनाने की प्रक्रिया है। और ऐसा मंदिर जब बन जाता है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे मंदिर जब भगवान की करुणा कृपा से प्रकट होते हैं, जैसे भगवान का प्रकट होता है, ये बनाए नहीं जाते हैं, ये भगवान की कृपा से जब ये प्रकट होते हैं तो भगवान श्री कृष्ण, जो शब्द कृष्ण है उसका अर्थ है सबको अपनी ओर आकर्षण करने वाले। अब आपको ये उदाहरण अगर हम दें कि एक बहुत बड़ा चुंबक होता है, मैग्नेट होता है, मैग्नेट, बच्चे लोग मैग्नेट जानते हैं, मैग्नेट क्या करता है, लोहे को अपनी ओर खींचता है। तो कृष्ण है बहुत बड़ा मैग्नेट और हम हैं छोटे छोटे लोहे के टुकड़े। तो लोहे का टुकड़ा मैग्नेट के पास रखोगे तो अपने आप उसकी ओर खींच जाएगा। तो ऐसे भगवान जब प्रकट होते हैं तो जो शुद्ध जीव आत्माएं होते हैं उनकी ओर अपने आप आकर्षित होके आ जाती है। तो इसका मतलब महाराष्ट्र में बहुत शुद्ध जीव आत्माएं हैं जो मंदिर में प्रतिदिन दर्शन के लिए हजारों की संख्या में आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, खींच रहे हैं, आकर्षण कर रहे हैं। परंतु अगर लोहे का टुकड़ा बरसात के मौसम में धरती पे गिर जाए, उसके ऊपर जंग लग जाए, तो क्या वो चुंबक को चपकता है क्या? नहीं चपक सकता। ऐसे जो जीव भौतिक जगत में माया का जिनके ऊपर जंग लग गया है वो भगवान की ओर आकर्षित नहीं होते। भगवान के आकर्षण में कोई कमी नहीं है, वो तो सबको अपनी ओर खींच रहे हैं, लेकिन विचारों को जंग लग गया है तो भगवान की ओर आकर्षित होके आ नहीं सकते। तो क्या करना चाहिए, जंग कैसे उतरता है, क्या चीज घिसने से जंग उतरता है? सैंड पेपर होता है, रेगमाल उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, एमरी पेपर, घिसते हैं तो जंग उतर जाता है। अच्छा, पेपर को कीले के ऊपर रखे हैं, लोहे के ऊपर, तो जंग उतर जाएगा क्या? घिसना पड़ेगा ना, घिसना पड़ेगा तब उतरेगा ना। तो मंदिर तो बनना चाहिए लेकिन मंदिर के साथ होने चाहिए साधु, और साधु के पास होना चाहिए वो घिसने वाला पेपर, ताकि वो घिसाई शुरू करे तो हमारा जंग उतर जाए और हम भगवान की ओर अपने आप आकर्षित हो जाए। तो साधु क्या करते हैं, कौन सा पेपर उनके पास है जंग उतारने के लिए, ये आज याद करके जाइए। ये जो आपको हम कह रहे हैं ना, भाई आप दर्शन वाले भी मेरी बात सुनो, हरे कृष्णा बोलना, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा
राम राम हरे हरे। ये है वो सैंड पेपर जो हमारे ऊपर अनादि काल से जमे हुए जंग को हटा के चमचमा के और अपने आप कृष्ण की ओर आकर्षण करने के लिए इस मंदिर में साधुओं के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। और इसके लिए हमारे इस मंदिर में जो पूजा पद्धति है, जो विधि है, यहाँ आप देख रहे हैं राधा गोविंद देव जी, ये ठाकुर जी का नाम है। हरे कृष्णा, बच्चे लोग दर्शन कर रहे हैं, हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण बोलो। क्या देख रहे हो जरा ये भी बताओ मुझे, क्या देख रहे हो? पूछा किसी से क्या है ये, कौन ठाकुर जी है? ये है राधा गोविंद देव जी, नाम लीजिए सब, राधा गोविंद देव जी की, ये राधा गोविंद देव जी है। जगह बहुत है, जगह बहुत है, आगे आइए, टेबल के नीचे भी दो आदमी आ सकते हैं। राधा गोविंद देव जी की, दिव्य वृंदावन कल्प द्रुमाद्रा श्रीमद रत्नागर सिंहासन स्थित श्री श्री राधा गोविंद देवो कृष्ण मानी सेव्य मानी सुबानी। ये राधा गोविंद देव जी हमारे को भगवान से जुड़ने के लिए, भगवान की सेवा में लगने के लिए जो परम साधन भक्ति है उसको देने वाले हैं। हम कह रहे थे जिस पद्धति से इस मंदिर में राधा गोविंद देव की पूजा होती है वो पद्धति स्वयं राधा कृष्ण के युगल रूप, युगल का मतलब जुड़ा हुआ, राधा कृष्ण दोनों मिलके एक हो गए। राधा का रंग कैसा है? गौरा। कैसा है? अब राधा रानी का प्रणाम मंत्र करिए, सामने देख रहे हैं। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावन ईश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया। तो गोरा रंग है राधा रानी का, और भगवान श्री कृष्ण का कैसा रंग है? सांवला रंग है, ब्लू रंग है, ब्लू। हाँ, श्याम वर्ण है भगवान श्री कृष्ण का और गौर वर्ण है राधा रानी का। अब एक मैं प्रश्न आपसे पूछूं, आप अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, आपका जीवन हमेशा हरा भरा रहे आपकी इच्छा है। सब कहते हैं भाई हमारा जीवन हरा भरा रहे, तो हरा रंग कैसे बनता है बताओ? बच्चे लोग हरा रंग कैसे बनता है? येलो प्लस ब्लू, पीले को नीले से मिलाने से येलो और ब्लू को मिलाएंगे तो कौन सा रंग होगा? हरा। आपको बहना है हरा, तो फिर येलो और ब्लू राधा कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ दो तो हरे भरे रहोगे। ये आपके हरे भरे रहने का सबसे सुंदर तरीका है। अब ये दो जब एक बन गए तो बाहर का रंग राधा रानी का आ गया और अंदर श्याम जी। आप कृष्ण को कौन सा कपड़ा अच्छा लगता है? भगवान श्री कृष्ण कौन सा वस्त्र पहनते हैं? ऊपर क्या नाम है उसका? पीतांबर। भगवान को कहते हैं पीतांबर धारी। पीत, पीत कहते हैं पीले रंग को, येलो को कहते हैं पीत। और राधा रानी का कैसा रंग है? पीला। तो कृष्ण उस रंग का कपड़ा पहनते हैं जो राधा रानी का रंग है, और राधा रानी कौन से रंग का कपड़ा पहनती है? जो कृष्ण का रंग है।
और कृष्ण का रंग कैसा है? नीला। तो राजा रानी को कहते नीलांबरी, नील अंबरी, इसका मतलब नीली का नीले वस्त्र पहनने वाली। राधा रानी नीले वस्त्र पहनती है और कृष्ण पीले वस्त्र पहनते हैं, और ये दोनों जब आपके जीवन में आ जाएंगे तो आपका जीवन हरा भरा हो जाएगा, आप सुखी संतुष्ट और तृप्त हो जाओगे। तो ये आपके जीवन में कैसे आए, वो काम किया है दोनों के युगल रूप ने। जब दोनों मिलके एक हो गए, राधा कृष्ण एक आत्मा दो देह धरी, राधा कृष्ण एक आत्मा है दो देह धरी, एक श्याम कृष्ण वो है हमारा पिता, वो है फादर गॉड, भगवान का पिता का स्वरूप, और एक गौरी राधिका वो है हमारा माता भगवान। इसलिए वेद में हमने कहा, हमको सिखाया क्या, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, माता जब हम कहते हैं वो राधा रानी को प्रार्थना करते हैं, भगवान का माता का रूप राधा रानी है। जितनी लक्ष्मियां हैं वैकुंठ में वो सब राधा रानी का विस्तार है, एक राधा रानी अनेक लक्ष्मियां अपने आप से प्रकट करती है। जितने भगवान श्री कृष्ण की द्वारका में रानियां है वो सब राधा रानी का ही प्रतिबिंब है, और जितनी वृंदावन में गोपियां हैं वो सब राधा रानी का काया व्यू है, एक राधा रानी अनेक गोपियां बन गई। तो जितनी भी भाई लक्ष्मी भी हमारी माता, लक्ष्मी माता कहते हैं ना, रुक्मणी माता, इन सब माताओं का स्रोत है राधा रानी, ये राधा रानी का ही विस्तार है, ये राधा रानी अपने से इन सबको बनाती है, और ये राधा और कृष्णा एक आत्मा दो देह धरी। क्यों दो बने? एक दूसरे को आनंद देने के लिए। अब क्या काम है कृष्ण का? कृष्ण है भगवान जिसकी सेवा की जाती है, सेविय भगवान। कृष्ण क्या है? सेविय भगवान, जिसकी सेवा की जाए। राधा रानी कौन सा भगवान है? सेवक भगवान, जो सेवा करे। राधा शब्द का, राधा शब्द कहां से आया? आराधिता, आराधना करने वाली, भगवान की आराधना करने वाली उसको राधा कहते हैं। सो राधा रानी और कृष्ण जब मिलके एक हो गए तो वो हो गए चैतन्य महाप्रभु। क्या हो गए? गौर हरि चैतन्य महाप्रभु। और वो चैतन्य महाप्रभु उनकी शिक्षाओं के अनुसार यहां पूजा हो रही है, और ये श्री चैतन्य महाप्रभु आज से 525 साल पहले, अभी थोड़े ही साल हो गए जब महाराज शिवाजी छत्रपति का यहाँ शासन था, वो 400-450 साल की बात है और ये 500 साल की बात है, तो ये बहुत नज़दीक की बात है। हरे कृष्णा, सो वो भगवान धरती के ऊपर अवतार लेकर आए। क्यों लेकर आए? भगवत गीता, भगवत गीता सनातन धर्म का आधारभूत ग्रंथ है। अब एक मेरी बात आप सुन लीजिए, माताओं को प्रणाम है, ये भाई लोग बैठे हैं इनको ध्यान से सुन लीजिए, हम सब सनातन धर्म वाले हैं ये तो मानते हैं ना। सनातन धर्म के पांच पहचान है, चिन्ह है, आप लोग जानते हैं, धोती चोटी, तिलक जनेऊ और लंगोट, एक के पास भी नहीं है,
सिर्फ ये जो भक्त यहाँ सेवा कर रहे हैं, आप देखो पांच सात, इनको चोटी भी है, धोती भी है, तिलक भी है, लंगोट भी है और जनेऊ भी है। तो वास्तव में ये चैतन्य महाप्रभु ये पांच जो पहचान थी हमारी ये देने के लिए आए थे। ये इस्कान के अंदर प्रभुपाद की कृपा से पाश्चात्य देश में भी जो गोरे लोग हैं उन्होंने भी ये पांच लोगों चीजें पहनना शुरू कर दी और हमने ये सब छोड़ दी। ये धन्यवाद है माताओं को, अभी तक उन्होंने अपनी साड़ी को संभाल के रखा है, नहीं तो हमारे पुरुषों की धोती तो अंग्रेज उतार के ले गया। हाँ, उनको तो पेंट पहना दिया उल्टा, नीचे से ऊपर पहनने वाला, हम तो ऊपर से नीचे पहनना चाहिए, उल्टा पहना के चला गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। सो भगवद गीता हमारा मूल शास्त्र है। कोर्ट में भी किसी को शब्द लेना पड़ता है तो गीता के ऊपर हाथ लेता है। तो गीता हमारा मूल शास्त्र है। परंतु मैं आपसे पूछता हूं, कितने लोग हैं आप में से जो गीता को पढ़ा है, जिनके पास गीता है? ये तो भक्त है मंदिर के। प्राय मैं आपसे पूछता हूं, गीता आपके पास है? घर में गीता है? ये गीता का वितरण करने का कार्य श्रील प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में कोई 60 भाषाओं से ज्यादा में किया। हम रशिया में जाते हैं, सबको गीता याद पड़ी। हम भारत में किसी एक श्लोक पूछते हैं, आता नहीं। बाहर के देशों में लोग गीता का लाभ ले रहे हैं और हमारे को गीता यहाँ मिली है भारत में, हम उसका महत्व नहीं जान पा रहे हैं। तो ये गीता तो एक सबके पास होनी चाहिए, हर समय होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। एक भी ऐसा नहीं हो जो घर में जिसके पास गीता न हो। और ये गीताओं की उपलब्धि कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से हर भाषा में आपको, मराठी भाषा में भी मिल जाएगी, गुजराती में भी मिल जाएगी, हिंदी में मिल जाएगी, तमिल में मिल जाएगी, ओडिया में मिल जाएगी, बंगला में मिल जाएगी, हर भारत की भाषा में मिल जाएगी, उर्दू में भी मिल जाएगी। सो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश तो बहुत दिए हैं। उपदेश दिया है कि कर्म योग का रास्ता अपनाओ, उपदेश दिया है ज्ञान योग का रास्ता अपनाओ, उपदेश दिया है ध्यान योग का भी, लेकिन आदेश एक दिया है। उपदेश अनेक, आदेश एक। आदेश क्या है? भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मेरे भक्त बनो। और फिर कहा है नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, मैं उसको मृत्यु संसार सागर से निकाल लेता हूं, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूं। ये शिक्षा भगवान ने भगवद गीता में दी और अर्जुन को कहा कि क्योंकि आप मेरे भक्त हैं, भक्तोसी में सखा चेती रहस्य महितद उत्तमम, तुम क्योंकि मेरे भक्त हो, मेरे संबंध में मित्र हो, तुम इस मेरे गीता के रहस्य को, गीता की गोपनीयता को, गीता की कॉन्फिडेंशियलिटी को समझ सकते हो। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों और पांडवों के माध्यम से बहुत बड़ा कुरुक्षेत्र में एक युद्ध मचाया। कुरुक्षेत्र को युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो, ऐसे करुणा निधान को बारंबार प्रणाम है, कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है,
ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। वो भगवान श्री कृष्ण कहां मिलेंगे कलयुग में? गीता में मिलेंगे। गीता की वाणी कृष्ण वाणी है, भगवत वाणी है, इसी में भगवान मिलेंगे। भगवान ने बहुत बड़ा भारी युद्ध कराया, उस युद्ध में सिर्फ भक्त बचे 6 पांडवों की तरफ और 3 कौरवों की तरफ, बस सब समाप्त हो गए। तो भगवान ने कहा अब लोगों को मैंने एक बहुत बड़ा प्रयोग करके सिखाया है कि आप लोग भक्ति करोगे तो सुरक्षित रहोगे, नहीं तो काल के गाल में चले जाओगे, मृत्यु पाओगे और जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते रहोगे। भगवान अपने धाम चले गए। नारद जी से पूछा, नारद जी अब तो मैंने भगवत गीता का उपदेश दिया है, सबको कहा है कि गीता को पढ़ो, गीता से भक्त बनो, तो लोग भक्त बन रहे हैं क्या? नारद ने कहा महाराज कोई भक्त नहीं बन रहा है, भगवान ये सब यहाँ रुपये के भक्त हैं, आपके भक्त बहुत कम बन रहे हैं। नारद ने कहा मंदिर में भी आते हैं तो भगवान से मांगने आते हैं, दे दो हमको, दे दो हमको, दे दो हमको, क्या दे दो, क्या मांगने आते हैं मंदिर से, सब ये सब आए ना, आप लोग सब लाइन में खड़े हैं, बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे। राधा गोविंद देव जी भगवान है, इनका नाम है राधा गोविंद देव जी, इनका दर्शन कीजिए और कानों में 2 शब्द कथा के आए तो सुन लीजिएगा। डाकुओं का सरदार था, डाकुओं को कहा कभी मंदिर में मत जाना, कथा का एक शब्द भी कान में मत आने देना, ये कानून है डाकुओं का। तो डाकू कहीं से चोरी करके भागे, किसी मंदिर के अंदर से गुजरे, अंदर कथा चल रही थी, पंडित जी ने इतना कह दिया कथा करते हुए कि जो देवता होते हैं उनकी परछाई नहीं होती है, उनकी उनका शेडो नहीं होता है, उनके पांव धरती पे नहीं लगते। तब तक उसने कहा हमको तो नहीं कथा सुननी है, कान में उंगली डाल दी, इतना सुन दी, भाग के आगे गए तो एक देवी बनी हुई थी, दुर्गा नाच रही थी। तो डाकू तो दुर्गा देवी के भक्त थे, उसको प्रणाम कर रहे थे, देवी कृपा करना, हमारी रक्षा करना। इसने देखा कि उसके पांव तो धरती में पड़े हैं, इनके पीछे तो इसका आया परछाई पड़ रही है, शेडो हो रहा है, तो ये तो देवी नहीं हो सकती, हो सकता है हमको पकड़ने के लिए ये किसी पुलिस ने कोई षड्यंत्र किया। वो भाग गया वहां से और बाकी सब पकड़े गए, क्योंकि 2 शब्द उसने सुने थे कथा में। वहां के 2 शब्द कथा के सुने और मैं जेल जाने से बच गया, अगर पूरी कथा सुनूं तो यमलोक जाने से बच जाऊंगा ना, तो पूरी कथा सुननी चाहिए ना, 2 शब्द केवल सुने थे गलती से। राधे श्याम। सो भगवान श्री कृष्ण जब पूछा नारद से, बोला नहीं बन रहे हैं भक्त, आते हैं मंदिर में, 2 दृष्टिकोण से भगवान का दर्शन करते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन दर्शन कैसे करना चाहिए ये भी सिखाना चाहिए। पहले भगवान के चरणों का दर्शन करना चाहिए, भगवान के चरणों का दर्शन करने के बाद ऊपर आस्ते 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 भगवान के वक्षस्थल का, हाथ में बांसुरी का, फिर मुख का दर्शन करना चाहिए, लेकिन भगवान के चरण कमलों का दर्शन पहले करना चाहिए। ये भगवान के दर्शन की प्रणाली है, पद्धति है, वो तो दर्शन करने का भी हमें शिक्षा नहीं है वास्तव में। और भगवान को प्रणाम करना चाहिए, ये जो पेटी रखी है ना इसका नाम है प्रणामी, इसका मतलब जब हम प्रणाम करते हैं तो इसके अंदर भगवान को भेंट चढ़ाते हैं,
इसका नाम है प्रणामी। संस्कृत में इसको प्रणामी कहते हैं, प्रणाम करना चाहिए भगवान। ये दान पात्र नहीं है, भिक्षा नहीं है, भगवान गरीब नहीं है, लक्ष्मीपति है। ये हमारा आदर के साथ भगवान को भेंट चढ़ाना है प्रणाम करके, तो प्रणाम करना चाहिए, आदर से हृदय से प्रणाम करना चाहिए। सो भगवान श्री कृष्ण ने, नारद जी ने कहा कि ये लोग या तो आते हैं ऐसे दर्शन करने के लिए, वो दर्शन भी ऐसे केवल जैसे किसी म्यूजियम में जाते हैं या किसी दर्शनी में जाते हैं, ऐसे खड़े होकर दर्शन करके चले जाते हैं, या फिर मांगने आते हैं जब परेशान होते हैं तो भगवान कुछ दे दो। अच्छा है, सबको देने वाला भगवान है तो उससे मांगने में कौन सी खराबी है, मांगना चाहिए। लेकिन मांगते क्या है, दो चीजें हैं मांगना, या तो भगवान को मांग लो या भगवान से मांग लो। दुनिया वाले सब भगवान से मांगते हैं, अर्जुन ने भगवान को मांग लिया तो गीता में भगवान अर्जुन का सारथी बन गया। जिसने भगवान को मांग लिया वो अमर हो गया, भगवान से मांगने वाले समय के साथ समाप्त हो। तो मांगना चाहिए भगवान को, भगवान से नहीं। आप भगवान हमारे हैं, अगर भगवान हमारे हैं तो सब कुछ भगवान का भी तो हमारा हो गया ना। एक बुढ़िया थी, एक राजा का जन्मदिन था। राजा ने कहा कि आज जिसको जो चीज चाहिए उसके ऊपर हाथ रखे उसको वो मिलेगी। तो कोई लोग जमीन मांग रहे थे, कोई गाय मांग रहे थे, कोई सोना मांग रहे थे। तो बुढ़िया ने पूछा, महाराज ने क्या कहा है? बोला, कहा है जिसको जो चाहिए वो ले जाओ। तो बुढ़िया ने कहा, मैं राजा से मिलना चाहती हूँ। गई राजा के पास, बोला, महाराज आज क्या है? बोला, मेरा जन्मदिन है, मैंने ये घोषणा कर दी है, ऐलान कर दिया है, जिसको जो चाहिए लेके जाए, हाथ रखे उसका है। बोला, सच? बोला, देखो सब ले जा रहे हैं। बुढ़िया ने हाथ लंबा करके राजा के सर के ऊपर रखा। बोला, राजा मैं आपको मांगती हूँ। तो अब क्या हुआ, राजा ने कहा, आप राजमाता हो, यही रह जाओ। अब वो कुछ और मांगने की जरूरत क्या है, सारे राज की माता बन गई ना। तो जो भगवान को मांग लेता है उसको सब मिल जाता है, जो भगवान से मांगता है वो फिर दोबारा मांगने आ जाएगा। भगवान को मांगने वाले में कोई कमी नहीं आती है, इसलिए भगवान को मांग लिया करो, भगवान से मांगने का लाभ इतना नहीं है। दुर्योधन ने भगवान से सेना मांग ली थी, समाप्त हो गया। अर्जुन ने भगवान को मांग लिया था, अमर हो गया। तो लोग भगवान से मांगने आते, और मांगते भी क्या है, धन, यही मांगते हैं। आगे पूछ लो उनसे, भगवान हंसता है कि धन है लक्ष्मी, लक्ष्मी है मेरी पत्नी, और ये मांगने आए अगर तेरी पत्नी दे दे, ये पागल है कि नहीं है, ये पहले नंबर के पागल है कि नहीं है, क्या मांगने आए हैं, इतने मूर्ख हैं, समझते नहीं हैं। तभी पहले से बचपन में हमें सिखाया जाता था, तुम्हें वो माता च पिता कहो कि आप हमारे माता पिता हो, फिर बालक बनो तो कुछ सुख मिलेगा, आप स्वामी बनोगे तो इस दुनिया में धरती के ऊपर लोग धरती के स्वामी बनना चाहते हैं या धन के स्वामी बनना चाहते हैं। दो प्रकार के लोग हैं, एक कहते हैं धरती मेरी, दूसरे कहते हैं धन मेरा, धन मेरा। और ये दोनों धरती और धन भगवान विष्णु की पत्नी है, पृथ्वी है विष्णु पत्नी, भूदेवी और श्री देवी लक्ष्मी है विष्णु पत्नी, ये किसी की नहीं हो सकती। ये दोनों हंसती है कि कई आए यहां से, हमको मालिक बनने का प्रयास किया, आज कहां चले गए, उनका नाम भी दुनिया को याद नहीं। कितने बड़े यहाँ राजे महाराजे हुए, कह रहे थे ये धरती हमारी, ये कहाँ है, वो कहाँ चले गए, सभी तो यहाँ पड़ा है, इसको किसी कोई इसका मालिक बन नहीं सकता है। और हमारी माताओं में धरती हमारी माता है तो उसको माता करके सेवा करनी चाहिए, स्वामी बनने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए। तो भगवान ने नारद जी से पूछा, तो नारद ने कहा कोई भक्त नहीं बनना है, तो भगवान ने कहा ठीक है,
आज मैं समझ गया कि मैं कह के तो आया हूँ मेरा भक्त बनो, लेकिन मैं सिखा के नहीं आया हूँ कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। अब मैं सिखाने जाऊंगा कि मेरी भक्ति कैसे की जाती है। तो भगवान ने कहा मेरी भक्ति सिखाने जाऊं तो भक्ति का अर्थ है भगवान से प्रेम करना, और किसी से हम प्रेम करते हैं तो वो दिखाने के लिए हमको सेवा करनी पड़ती है। कोई किसी से प्रेम करता है पता कैसे लगेगा? सेवा करेगा। बेटा बाप से प्रेम करेगा तो सेवा करेगा। आप माँ बच्चे से प्रेम करती है तो सेवा करती है, उसकी देखभाल करती है। प्रेम को दिखाने का, प्रदर्शन करने का रास्ता है सेवा, और भक्ति का अर्थ है प्रेम से सेवा। तो भगवान ने कहा मैं सिखाने जाऊंगा भक्ति कैसे की जाती है, लेकिन भक्ति मेरे भक्त के हृदय में होती है ना। मेरी भक्ति भक्त करते हैं, तो मेरे पास भक्ति नहीं है तो किसी भक्त को साथ लेके जाता हूँ। तो भगवान ने राधा रानी को जो भक्त शिरोमणि है, भक्ति नैपुण्य है, भक्ति की परिपूर्णता है, उसको अपने साथ ले लिया। राधा और कृष्ण के युगल रूप में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु 525 साल पहले इस धरती के ऊपर आए और हमको भक्ति करना सिखाया। और भक्ति करना सिखाया उसमें एक ही श्लोक बोलते थे, आप भी बोल सकते हैं, हरे हर नाम हरे हर नाम एव केवलम, हरे हर नाम हरे हर नाम एव केवलम, कलौ नास्ते वा कलौ नास्ते वा कलौ नास्ते वा गतिर अन्यथा। कल युग में और कोई रास्ता नहीं, एक बार कहा और कोई रास्ता नहीं, दूसरी बार कहा और कोई रास्ता नहीं, तीसरी बार कहा, काय का अपने मंजिल पे पहुंचने का, गंतव्य स्थान पे पहुंचने का, भगवान को पाने का और कोई कल युग में रास्ता नहीं है। मात्र एक रास्ता है, हरि नाम हरि नाम हरि नाम। एक भगवान का नाम ही कल युग में आपको आज सरल से सरल साधन बताता हूँ। अगर आप भक्ति करना चाहते हो, ये गीता का संदेश है, और भक्ति जीभा से होती है, और जीभा भगवान ने सबको दी है, और जीभा के दो काम है, एक चखना और एक बोलना। बोलने के लिए भगवान का नाम बोलो, चखने के लिए भगवान का प्रसाद पाओ, आपकी भक्ति शुरू हो गई। इतनी आसान है भक्ति करना, इतनी आसान है भक्ति करना कि कोई बच्चा भी कर सकता है, कोई माताजी, कोई बूढ़ा, कोई भी कर सकता है। बस मात्र जबान से भगवान का नाम उच्चारण करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये भगवान के नाम का उच्चारण करना है। जो शुद्ध अपने रसोई में भोजन बने, वो भगवान का सुंदर फोटो चित्र हो या भगवान का विग्रह हो घर में, उसके सामने रख के कहना चाहिए, भगवान जो कुछ है आपका है, आपको अर्पण करते हैं, आप इसको स्वीकार कीजिए, आपकी कृपा के रूप में हमको प्रसाद आपकी सेवा करने के लिए दीजिए, और वो प्रसाद खाइए, आपकी भक्ति शुरू। कोई पंडित बनने की ज़रूरत नहीं है, कोई घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई काम धंधा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल जीवन में भगवान को जोड़ने की ज़रूरत है। और भगवान कल युग में कली काले, बोलिए कली काले, नाम रूपे कृष्ण अवतारा। कली काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने नाम के रूप में अवतार लिया है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के इस नाम के अवतार को सबको जपने का शुभ एक अवसर दिया है, मौका दिया है। जो भाग्यशाली है वो इसको अपने जीवन में अपना के अपने जीवन को धन्य कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु जब चलते थे
प्यादल दक्षिण भारत में और यहाँ बॉम्बे तक भी आए थे, पंढरपुर में आए थे, तो वो ये शब्द गाया करते थे, कृष्णा 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 है, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम। कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाही माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम। कृष्णा केशव कृष्णा के तव पाही माम। सुचेतना महापुरुष जहाँ जाते थे ऐसे ये नाम का उच्चारण करते थे और हाथ ऊपर करके सबको बोलते थे, हरि बोल 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे श्री चैतन्य महाप्रभु के बताए हुए रास्ते पे श्री प्रभुपाद ने विश्व भर में दो काम करके, एक हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके और एक भगवान का प्रसाद वितरण करके विश्व भर में 650 ऐसे आज केंद्र हैं जहाँ भगवान के नाम का कीर्तन और हरि कथा हो रही है। आप सब भाग्यशाली भक्त यहाँ इस थाने के राधा गोविंद देव मंदिर के दर्शन के लिए आए हैं। आशा करते हैं कि आप फिर आएंगे और भगवान की कृपा को अपने जीवन में धारण करके भगवान के नाम का उच्चारण करके इस मानव जन्म के जो दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरव ए भव सिंधु ये भव सागर तार करने के लिए तैरने के लिए सबसे अच्छा ये जो हरि नाम सत्संग है हरि कथा है इसका लाभ लेके आप अपने जीवन को सफल करें। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? श्री श्री राधा गोविंद देव की जय।